दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल शरीफाबाद कैंपस। आज आपकी जो क्लास है क्लास नंबर 2 की सब्जेक्ट की क्लास मैथमेटिक्स कंटिन्यू है और इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 17, 18 और 19 को आज हम डिस्कस करेंगे। और पेज नंबर 17, 18 और 19 में हमारे पास जो मौजूद हैं वो हमें पढ़ना है लेस देन और ग्रेटर देन। आप सबको ये बात पता है लेस देन और ग्रेटर देन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पढ़ाया था कुछ याद करें, नहीं याद आता तो मुझे बताइए। लेस देन क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड की तरफ आपकी बनती है ये एरो, और ग्रेटर देन क्या होता है, जो आपका राइट हैंड की तरफ बनता है ये आपका ग्रेटर देन है। ठीक है बेटा, तो हमें लेस देन और ग्रेटर देन पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किसका है वो है हमारे पास 3 डिजिट का। किसका पढ़ना है बेटा, 3 डिजिट के। अब 3 डिजिट में हमारे पास क्या आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, 1, 10 और 100। ओके, 1, 10 और 100 को डिस्कस करना है और इसके मुताबिक मुझे नंबर को पहचान के बताना है कि लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। पेज नंबर 17, 18 और 19 में हमें यही डिस्कस करना है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग एक्सरसाइज है लेकिन काम सिंपल एक ही है। 17, 18 और 19 में लेस देन और ग्रेटर देन ही बताना है। सिर्फ 3 डिजिट को आज हमें पढ़ना है, बाकी हम 2 डिजिट के पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं 2 डिजिट के, कुछ याद है या नहीं याद, मैं आपको दिखाता हूँ। 2 डिजिट के हमने पढ़े थे पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे हमने 2 डिजिट के पढ़े थे और बताया था 18 और 19 में कौन सा हमारे पास नंबर बड़ा है। तो हमारे पास नंबर 18 लेस था तो मैंने 18 की तरफ एरो बना दिया था। इसी तरह मुझे 14 और 24 में बताना था लेस देन कौन सा है, तो ये बताना था। ये हम एक्सरसाइज अपनी पेज नंबर 2 पे कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज वो पेज नंबर 17 है। पेज नंबर 17 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट ये साइन और ये साइन, क्या है राइट ग्रेटर देन और लेस देन इन द एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स का मतलब जो खाली बॉक्स है, ठीक है, जो आपके फिल करना है, जो फिलअप नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी बॉक्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1 राइट ग्रेटर देन और लेस देन इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ओके, फास्ट काम करेंगे और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 351, 548, बताइए इसमें हमारे पास कौन सा नंबर, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर नहीं याद तो मैं याद दिला दूं, ये क्या होगा, जो राइट हैंड की तरफ इसकी एरो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा जो नंबर होता है, बिग नंबर। ओके, और जो लेफ्ट हैंड की तरह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेस देन, यानी स्मॉल नंबर। अब हमें 3 डिजिट में पढ़ने हैं। 3 डिजिट में क्या है, ये ओ टी एच, ओ टी एच। अब आप मुझे बताइए 351, 548, 351, 548 कौन सा नंबर आपके पास बड़ा है जी, राइट ग्रेटर देन और लेस देन इन द बॉक्सेस, इन द एम्प्टी बॉक्सेस जी। 351 लेस देन
छोटा है 548 से, तो पहले क्या आएगा नंबर? आपको सिंपल मैं आपको ट्रिक बताऊं कि आपके पास ये थ्री नंबर लिखे हुए हैं 351 एंड 548, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओ टी एच, ऐसे ही पढ़ते हैं बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं? ओ टी एच, वंस टेन हंड्रेड, वंस टेन हंड्रेड। सिंपल स्मॉल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद कर लें। सिंपल आपको 100 वाले को जज कर लें बस, इस एक्सरसाइज में आपका आसान काम हो जाएगा। बताइए 100 में कौन से बढ़े, 5 बढ़ाए या 3 बढ़े? 5 हमारे पास बढ़ा है, ठीक है। तो 5 वाला मेरे पास क्या है? बड़ा है, और 3 वाला क्या है मेरे पास? लेस है। तो मैं क्या बोलूँगा? 3 लेस है ना, तो लेस का निशान लगाया, और 5 मेरे पास क्या है? बड़ा है। तो 351 लेस देन 548, तो यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स में क्या मैं फिलअप करूँगा? लेस देन। एम्प्टी बॉक्स में क्या फिलअप करूँगा? लेस देन। एम्प्टी बॉक्स